कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से देश की आबोहवा बदल रही है। भारत में हर तरह के प्रदूषण में खासी कमी आई है। लॉकडाउन के कारण पावन गंगा नदी का जल भी फिर से निर्मल होने लगा है। इन दिनों उसका प्रदूषण कम हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से नदी में औद्योगिक कचरे की डंपिंग में भी कमी आई है। प्रयागराज के संगम तट पर पानी एकदम साफ दिखाई दे रहा है। दोनों नदियां अविरल धार में बह रही हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते वायु प्रदूषण में भी कमी देखने को मिली है। वहीं ऐसे में संगम तट का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। इस कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन की व्यवस्था की गई, इससे एक फायदा यह हमें दिखा कि हमारा पर्यावरण अपने यहाँ से, मैं यहाँ तक आते आते देखा हूँ, सड़क से लेके गांव क्षेत्र तक दूषित हवा नज़र नहीं आ रही है और गंदगी नहीं नज़र आई, स्वच्छता ही स्वच्छता दिखी है। हम यहाँ आए हैं संगम तट पे, एक दुखद घटना हुई थी अस्थि विसर्जन में, अस्थि विसर्जन के लिए आए थे, लेकिन गंगा के इस अविरल निर्मल जल को देख के मन बहुत आह्लादित हुआ है। ऐसा निर्मल जल पहली बार मैं संगम तट पे देख रहा हूँ। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन ने सभी क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो फायदा प्रदूषण में देखने को मिला है और हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट के किनारे और हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देखिए संगम तट का नजारा है और आपको कितना साफ सुथरा ये जो जल है वो नजर आ रहा होगा। अगर हम बीते एक साल पहले की बात करें या कुछ दिन पहले की बात करें तो इसी समय यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषित पानी देखने को मिला था और पानी कम भी था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितना आपको यहाँ पर साफ सुथरा पानी दिख रहा होगा। और अगर हम आपको आसमान भी दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आसमान भी साफ दिख रहा है, नीला दिख रहा है। और ऐसे में दूर दूर भी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी कोई भी फॉग का या फिर कहें कि जो धुआं होता है, धुंध होती है, वो नज़र नहीं आ रही है। हालांकि धूप भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि एक ये फायदा हुआ है। और हम यहाँ जो लोग आए थे, जो अस्थि विसर्जन के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि जो लोग 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी से आए हैं, उनका कहना यही है कि रास्ते भर उनको साफ सफाई देखने को मिली है और प्रदूषित हवा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली है। और यहाँ जब वो आए तो उन्होंने ये अपील भी की कि यहाँ का जो जल है वो जल जैसे हरिद्वार का होता है, वैसे ही ये जल जो है संगम का यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम फायदे की बात करें तो फायदा सिर्फ प्रदूषण को कम करने के लिए लॉकडाउन में देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम आपसे भी एक बार लाइव टुडे हमेशा गुजारिश करा है कि आप लोग लॉकडाउन को सफल बनाएं और अपने घर में रह करके सुरक्षित रहें। ब्यूरो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, लाइव टुडे प्रयागराज। तो हर जगह अब लॉकडाउन के चलते उसका असर भी दिखने लगा है। प्रदूषण में कमी आई है, वातावरण साफ हुआ है, जो नदियों का जल है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं अब प्रदूषण में भी कमी देखने को मिल रही है।